रघुनाथ जी के कुछ ग्रंथ मिले हैं, ज्यादा तो मिले नहीं हैं अब अपने दुर्भाग्य से, और जो एक ग्रंथ मिले है साधन दीपिका, वहां को अपन संवेद पाठ करेंगे। मैं आशा करूंगा आप सबके पास पुस्तक होगी। तानश्रीतात पद्मा रेणव कामधेनव नाकस्य तरयो तरवोन्येषाम् स्युकल्पतरवो यथा। श्रुति स्मृति शिरो रत्न नीराजित पदाम्बुजम् यशोदोत्संग ललितम् वंदे श्रीनंदनंदनम् भक्तिमार्ग वितानाय यो वतीर्णो हुताशनः स एव नः परं मानम् शेषमस्य प्रमान्तरम् वेदत्रयी शिरो भाग सूत्र व्याख्यान सम्मताम् भक्तिशास्त्रानुसारेण कुर्वे साधन दीपिकाम् आत्मावार इति श्रुत्या दर्शनैकपलो विधिः श्रवणाद्यैः प्रतिज्ञातः तं भजेत्तं रसेदिति तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् पुरुषस्याविशेषेण संसारं प्रजिहासतः हरेराराधने मुक्तिः तत्प्रकारो निरूप्यते माहात्म्य ज्ञान पूर्वो हि सुदृढः सर्वतोधिकः स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्न चान्यथा माहात्म्य ज्ञापनायैव श्रवणं गुणकर्मणाम् शास्त्राणामुपयोगोत्र तत्राकांक्षा गुरुर्भवेत् कृष्णसेवा परं वीक्ष्य दम्भादिरहितं नरम् श्रीभागवत तत्त्वज्ञम्
भजे जिज्ञासुरादरात् देहद्रोण्यायासूनाम् परम पारं भवाम् बुधे गुरुणा कर्णधारेण युक्तार्यास्वोपदेशतः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति श्रुत्या तथा स्मृत्या प्रपत्यादेशमादितः प्रेम्णोपदेशश्रवणात् प्रपत्ति प्रेम कारणम् अतो मूलाभिषेको हि कार्यस्तेनास्य सेवने नहि देहभृता शक्यम् कर्म त्यक्तुमशेषतः अतस्वधर्माचरणम् भारद्वैगुण्यमन्यथा स्वधर्माचरणम् शक्त्या यधर्मात्तु निवर्तनम् इन्द्रियाश्वविनिग्राह सर्वथा न त्यजेत्रयम् इति भागवतो धर्मः श्रीमदाचार्यसम्मतः भक्तिशास्त्रानुकूल्येन स्वधर्माचरणं भवेत् गर्भाधानादिसंस्कारैर् द्विजैर्मौञ्ज्यन्तसम्भवैर् देहः संशोधनीयो हि हरिभावो न चान्यथा शौचाचारविहीनस्य आसुरावेशसम्भवात् ततः स्वान्निकधर्माणाम् आचारोऽपि प्रसज्यते स्नानं सन्ध्याजपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् वैश्वदेवकदेवार्चा इति षट्कर्म कृद्भवेत् यथा हि स्कन्धशाखानाम् करोर्मूलाभिषेचनम् तथा सर्वार्हणम् यस्मात् परिचर्याविधिहरे अतस्तदनुरोधेन नित्यकर्मकृतिर्वरा अन्यथा तु कृतिर्व्यर्था त्रैवर्ग्यविषयायतः
गर्भाधानादि संस्कारै स्वशाखोक्तै द्विजो युतः गुरुं प्रपन्देदन्यस्तु सदाचारोऽस्य संश्रयात् लब्ध्वानुग्रहमाचार्यात् श्रीकृष्णशरणं जनः धारयेत् तिलकं मालां वैष्णवाचार तत्पर सर्वस्वं हरिसात्कार्यं त्यजेत् सर्वमवैष्णवम् हिंस्रकाम्यान्यदेवार्चा यदि नित्यं च लौकिकम् पूर्वभाण्डादिकं सर्वं परित्यज्य विशुद्धितः श्रवणादिपरो नित्यम् हरेः प्रेमास्पदो भवेत् हरेर्गुणानां श्रवणम् ज्यायोभ्यः शृणुयात् सदा जातशिक्षः यवीयोभ्य कीर्तयेदन्यथैकलः अतिसुन्दररूपाणि लीलाधामानि संस्मरेत् पादसेवा हरेः कार्या सर्वसम्पन्निकेतनै अर्चनं प्रत्यहं तस्य विधिना नियमेन च वदनं चरणां भोजे तस्य भावनयाखिले दास्यं तदेकशरणम् तत्प्रसादैकभोजनम् एवं सप्तविधा भक्तिः प्रपन्नाधिकृता भवेत् पूर्वविद्धं परित्याज्यम् कृतं तद्विष्णुपञ्चकम् जयन्तीतूदयेन्येन दुष्टान्याप्यरुणोदयात् वर्षाश्रितान्युत्सवानि स्वाश्रितान्यपि यान्युत तानि सर्वाणि हरये अनुकूलानि चार्पयेत् श्राद्धानि चोत्तमान्येव वैश्वदेवं च देवदैवकम् हरे प्रसादतः कुर्यात् ततस्तृप्तिरनुत्तमा प्रसादोऽपि बलिः कार्य स्वात्मसंस्कार एव स अन्यस्य चात्मनश्चापि तत्संस्कारेण तत्परः विप्रागावो हरेर्भक्ताः सदा पूज्या हरे प्रिया गृहस्थस्यातिथिर्यस्मात् पूज्यो दीनो दयास्पदः जगन्नाथे द्वारिकायां श्रीरंगे
व्रजमंडले श्रीरंगे व्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाह स्यात् यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेच्च तत्पर तत्र तिष्ठेच्च तत्पर गंगादि तीर्थवर्येषु गंगादि तीर्थवर्येषु यथा चित्तं न दुष्यति यथा चित्तं न दुष्यति श्रवणाद्यैः भजे देवम् श्रवणाद्यैः भजे देवम् श्रीभागवत तत्परः श्रीभागवत तत्परः ऊर्ध्वपुण्ड्राणि मृन्मुद्रा ऊर्ध्वपुण्ड्राणि मृन्मुद्रा तुलसी काष्ठजापि सृक् तुलसी काष्ठजापि सृक् बाह्याङ्कान्यन्तराणि स्युः भक्ते शांति विरक्तयः भक्ते शांति विरक्तयः शमोदमस्तपः शौचम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिराज्यवमेव च क्षान्तिराज्यवमेव च दयादानं च विज्ञानम् दयादानं च विज्ञानम् श्रद्धा दैवात्मसंपदः श्रद्धा दैवात्मसंपदः दैवात्मसंपदः पुंसः दैवात्मसंपदः पुंसः भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी यया सर्वात्मभावाख्या यया सर्वात्मभावाख्या परा सिद्धिस्वयं भवेत् परा सिद्धिस्वयं भवेत् सर्ववस्तुषु वैराग्यं सर्ववस्तुषु वैराग्यं दोषदृष्ट्या विभावयेत् दमनादिन्द्रियाणां च संतुष्ट्यापि च सिद्ध्यति सर्वत्रैव विरक्तस्य रागस्यानन्दनन्दने तेनासक्तिश्च व्यसनम् प्रपञ्चास्फुरणं भवेत् एवं निरुद्धचित्तस्य अनुग्रहीतस्य चेषितुः लीलाप्रवेशोऽपीष्टश्च तस्मान्मच्छरणोक्तितः न स पापं न पापं सकरोत्येव प्रमादेत्वाशु निष्कृति अज्ञातस्खलितानां च हरिरेव परा गतिः हरिर्भक्ता पराधेषु दयैव प्रसीदति दोषेषु न गतिस्तस्मात् दोषान् संपरिवर्जयेत् अशून्यादिवसायामः मुहूर्तघटिकालवः भगवद्भजनैः कार्या संसारासक्तिरन्यथा गुरुसेवा गुरोराज्ञा गुरौ श्रीहरिभावना गुरौ भयं गुरौ सिद्धि प्रपन्नः परिभावयेत् भक्तवृन्दान्नमे दर्चेत् दृष्ट्वा हृष्येत् समानयेत् भक्तेष्वेवं हरिं साक्षात् प्रसादेन व्यवस्थितम् विना भक्तप्रसङ्गेन सद्गुरोः कृपया विना श्रीभागवतशास्त्रेण
बिना भक्ति कथम भवेत्। बिना भक्ति कथम भवेत्। बिना गदगद कंठेन द्रवता चेतसा विना विना नृत्येन गानेन हरिप्रीतिः कथं भवेत्। देवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। क्रीडार्थमसृजत् पूर्वम् स्वात्मना स्वात्मकं जगत् तत्र काय भवा पुष्टि लीला सृष्टिरनुत्तमा वामांश संभवानन्तु भजनानन्द लब्धये विसृष्टानां ततोऽन्येषाम् नान्या साधन पद्धति यस्यायमनुगृह्णाति भगवानात्मभाववित् सजहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् अनुग्रहे नियोज्योतः संग्रह श्रुति सम्मतः महतां समयो मानम् महान्तोत्र हरे प्रिया अतस्तदनुरोधेन प्रतिरासो यथा भवेत् तदर्थं वरणं कार्यम् श्री गोपाल महामनो नायमात्मा प्रवचनैर् न धिया न बहुश्रुतैः लभ्यते वर्णं हित्वा वृतं संवृणुते श्रुते स्मृत्वा स्वीयवियोगाग्निम् तापदाहो भवाम्बुधौ ततः सर्वं समर्प्यैव श्रीगोपालमनुं श्रयेत्। इष्टं दत्तं तपो जप्तम् व्रतं यच्चात्मनः प्रियम् दारान् सुतान् ग्रहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम् अञ्जस्तरति दुस्तराम् एवं योगीश्वरोक्तेन भक्तिमार्गेण यो यजेत् स एवातीत्य कलिजान् दोषान् गच्छेत् परं पदम् नावैष्णवैः सह वसेत् न तैः संसर्गमाचरेत् प्रसङ्गेषु हरिं ध्यायेत् स्नायात् कर्मणि मन्त्रतः देहशुद्धिः सदा कार्या करशुद्धिविशेषतः स्वपात्रं भगवत्पात्रं स्नानपात्रं
पात्रं न मेलयेत्। स्नानपात्रं न मेलयेत्। एवं वस्त्रेपि विज्ञेये। एवं वस्त्रेपि विज्ञेये। शुद्ध्यशुद्धि स्ववैष्णवै। शुद्ध्यशुद्धि स्ववैष्णवै। गोपयेत् स्वागमाचारम्। गोपयेत् स्वागमाचारम्। पाकसेवां हरेरपि। पाकसेवां हरेरपि। सौवर्णैः राजतैस्ताम्रैः पात्रैर्व्यवहरेत् परैः। पाके स्वीयान् सतीर्थ्यांश्च सवर्णान् सन्नियोजयेत्। समर्प्यैव शुचिः पूर्वम् हरयेन्यत्र योजयेत्। द्विमुखं शुचिपात्रं तु यंशुकं लोमजं शुचि। कार्पासमाहतं शुद्धं नवकौसुम्भयुक्शुचि। विप्रैर्व्यवहृतं तीर्थम् आरामं च गृहं शुचि। नान्यदेवं व्रजेद्नैव प्रसक्तौ ह्यपमानयेत्। तीर्थेषु तीर्थदेवानां भूदेवानां समर्चनम्। सन्न्यासश्चाग्निहोत्रञ्च कलौ नैव यथाविधि। सन्दिग्धधर्मसेवापि क्लेशायैवाल्पमेधसाम्। समर्थस्तु तयोः कुर्यात् विद्वान् स्मार्ताग्निधारणम्। न्यासाश्रमात् पतन्मर्त्य आरूढपतितो गति। यद्यप्येवं हि गार्हस्थ्यम् वर्णधर्मेण दुष्करम् तथाप्यायात पतितम् तद्बिभ्रियाद्देहयात्रया। न गार्हस्थ्यं विना देह यात्रा धर्मोऽपि सिध्यति। अतस्तस्मिन् स्थितस्यैव यत्किञ्चित् सिद्धिसम्भव। आश्रमो द्विविधः कौर्मे तत्रोदासीन को गृही। आद्येऽपि नैष्ठिकश्चान्त्ये वैष्णवोऽधिकृतस्ततः। शूद्रस्तु हिंस्रकार्येण निषिद्धस्याशनेन च निवृत्तोऽसौ भजेत् कृष्णम् महद्भिरनुकम्पित। सहितं हरिभक्तानां ब्राह्मणानां चरेद्गवाम्। पादसेवाञ्च महताम् यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। दानं व्रतं पैतृकञ्च शौचं शान्तिमथाश्रयेत्। हरिमेव भजेत् प्रेम्णा तेन सिद्ध्यति सत्वरम्। न वेदश्रवणं कार्यम् स्पर्धासूयादिनान्यत। न्यग्भावेन प्रपन्नोऽसौ
दासो भवेत् दासो हरेर् गुरो भवेत् दासो हरेर् गुरो सदवा भर्तृभावेन विधवा पुत्र भावत श्रीकृष्णं संश्रयेत् साध्वी जितचित्तेन्द्रिया शुचि पतिपुत्रादि बन्धूनां आनुकूल्येस्य सेवनम् तदभावे भजेत् भक्त्या कीर्तनै श्रवणै स्मृतै तेषामेव तथात्वे तु परिचर्या समन्दिरात् हरेर्गुरोः सम्भवति यः स्वतन्त्रा स्त्रियो यत स्वतन्त्रतायां दोषो हि स्त्रीणां सर्वत्र जायते अतस्तया तथा भूत्वा हरिसेव्यस्तदिच्छया चित्रमात्रेऽपि सेवा स्यात् प्रतिबन्धे गुरुर्गिरा छलेनापि भजन् कृष्णम् मुच्यते गोपिकादिवत् पुरुषापेक्षया स्त्रीणां हृदयं मृदु दृश्यते अतस्तदनुरागोत्र सद्य एवाभिषज्यते कामदोषो हि नारीणां कनकानां यथा रज तज्जये विजितः कृष्णः कृष्णस्त्रीणां प्रियो यतः उदकी च प्रसूता स्त्री अशुचिश्च तथा पुमान् दर्शनस्पर्शनादीनि सेव्यमूर्तेर्विवर्जयेत् चित्रमूर्तिरविज्ञानम् पराधीनात्मनामपि शुचिश्लक्ष्णामपि चाञ्च गुरुदत्तां भजेद्वरै तीर्थतो यैर्निजैर्मन्त्रैर् संस्कृतां सुमनोहराम् लघ्वीमेव भजेद्मूर्तिम् यथा लब्धोपचारकै नात्र प्राणप्रतिष्ठादि व्यापकत्वादजीवतः स्थानशुद्ध्यर्थमेवैतत् शब्दार्थमपि सद्गुरो अशुचिस्पर्शनेस्तस्य तथापि होमैर्दानेन संशोध्या वैदिकेन निजात्मवत् गुरुदत्तां स्वयं लब्धाम् भक्तैरपि सुपूजिताम् व्यङ्गाङ्गिमपि सेवेत यदि भावो न बाध्यते प्रातरारभ्य माध्यान्ना वधि चैवापराह्णकै तत्तल्लीलानुभावेन भजेत् स्वगुरुसम्मताम् वस्त्रैश्च भूषणैर्गन्धैर् नैवेद्यैर्व्यञ्जनैः शुभैः
देशकाल विभूतीनां अनुसारेण सेवनम् प्रेम्णा परिचरेत् साधु यावज्जीवं समाहित तेनास्य भावना सिद्धि यया स्यात् कृतकृत्यता प्रातः प्राश्चात्ययामेसौ समुत्थाय शुचिर्धिया स्मरेत् भगवतो लीलाम् गायेत् तस्य गुणान् गिरा प्रातः कृत्यं ततः कार्यम् बहिर्गत्वा यथोदितम् मुखशुद्धिस्ततो नित्यम् सौगन्ध्याभ्यञ्जनं भवेत् मलस्नानं गृहे कार्यम् तप्तोदकपरोदकै तस्योपरि श्रीयमुना जलैस्नानं स्तवैश्च वा तीर्थस्नाने मलस्नानम् कृत्वा तीरेभिमज्जनम् ततस्तु धारणं शुद्ध कौशेयाम्बरयुग्मयो पादुकाभिर्ग्रहे यानम् स्पर्शनन्नैव कस्यचित् कुङ्कुमस्योर्ध्वपुण्ड्राणि द्वादशाङ्गेषु नामभि शङ्खचक्रादिमुद्राश्च गोपीचन्दनमृत्स्नया चरणामृतपानञ्च लेपश्चापि विशुद्धये ततस्तु तुलसीमालाम् कृत्वा सन्ध्यां समाचरेत् परिचर्या हरेः कार्या परिवारजनैः सह गत्वा हरिपदं पद्भ्यां स्तुत्वा द्वारं प्रणम्य च प्रविश्यमार्जनैर्लेपैः पात्राणां शोधनं चरेत् संभृत्य सर्वसंभारम् प्रातराशादिपूर्वकम् प्रबोध्य श्रीहरिं प्रेम्णा मुखशुद्ध्यं शुकादिभिः अलंकृत्य ततः सिंहा सने समुपवेशयेत् अयंगवीनपक्वान्नै ताम्बूलैर्सुजुलैर्यजेत् ततो नीराजनं कार्यम् मंगलै गीतवाद्यकै अभ्यंगोन्मर्दनै स्नानम् गृहस्नानविधानत स्तुत्वा कलिन्दिजां स्नाते कुर्यात् संप्रोञ्चनांशुकम् शृङ्गारं रञ्जितैर्वस्त्रैर् चित्रैराभरणैरपि मायूरमुकुटैरम्यैर् वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः वितानैः प्रसरैः शुभ्रैः प्रतिसीरैर्नवैर्नवैः जलक्रीडोपस्करैश्च ताम्बूल
तांबूलामोददर्पणे व्यजने जलभृंगारे देशकालानुसारिभि अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत् तौर्यत्रिकेन तत्रापि धूपदीपादिनार्तिकम् ततो नानाविधै शुद्धै चतुर्विधसु भोजने संभृतं स्वर्णपात्रं तु हरेरग्रे निवेदयेत् तुलसीं शङ्खतोयेन गायत्र्यास्मिन् निधाय च एतत् समर्पितं देव भक्त्या मे प्रतिगृह्यताम् राजभोगं समर्प्यैवम् बहिर्गौग्रासमाचरेत् ततो वशिष्ठं जाप्यादि माध्यान्निकमिहाचरेत् ततस्त्वाचमनं दत्त्वा तांबूलं माल्यजां सृजम् अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यं जलमानयेत् ततो राजविभूतीनां आदर्शैश्चामरैर्भजेत् गीताद्युत्सवतो येनम् नीराज्य च प्रणम्य च हृदि कृत्वापि धायास्य मन्दिरं बहिरावृजेत् श्रीगन्धादि शिरो धृत्वा प्रणम्यैव गृहं वृजेत् माध्यान्निके समाप्यैव श्रीमद्भागवतं पठेत् ततो भक्तजनेभ्योऽस्य प्रसादं शक्तितो भजेत् समागतेभ्यो विप्रेभ्य दीनेभ्यश्च यथायतम् दत्त्वा स्वीयजनैर्भुक्ति वैश्वदेवोऽपि तत्र हि ततो वार्ता स्वकीयानां बहुपापैरनाकुलां यात्रार्थमेव सेवेत नाभिवेशोऽत्र सञ्चरेत् सम्पन्नवृत्तिः भक्तानां शास्त्राणि परिभावयेत् सर्वथा वृत्त्यभावे तु याममात्रं भजेत् हरिम् दरिद्रश्च कुटुम्बार्तः विद्वान् भागवतं पठेत् अविद्वानस्य सेवायां साहाय्यं श्रवणं च वा सायं संध्याथ पुण्ड्राणि धृत्वा ताम्बूलतो मुखम् संशोध्याचम्य शुद्धोऽसौ प्रभोरुत्थापनं चरेत् कन्दमूलफलैर्गव्यैः सुमाल्यैः सुजलैरपि सन्तोष्य मुरजादीनां
संगीतेना पितोषयेत् गायेत् भक्त कृते पद्यैः हृदये लीला रहस्यकैः ततो नीराजयेन्नाथम् आयान्तं व्रजमण्डले सायंकाले नैवेद्यम् यथा विभव विस्तरः नीराजनं च शयनम् यथा योग्यं विभावयेत् सायं संध्याहुतिश्चापि कृत्वा भुक्त्वा निवेदितम् कथयेत् शृणुयाद्वापि लीला भगवतोन्वहम् ततश्चैतशुद्धोऽसौ भावयन् भगवत्पदम् सुतार्थिनी स्वपत्नी चेत् व्रजेत्तां जेतुमिन्द्रियम् इत्येवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य भूतले स एव कृतकृत्योऽस्ति हरिस्तमनुश्लिष्यति इत्येवं भक्तिशास्त्रेषु यदाचारो निरूपितः तदाचारं भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते। इति श्रीमद्भगवद्वदनावतार श्रीवल्लभदीक्षिततनुज श्रीगोपीनाथदीक्षितविरचिता साधनदीपिका समाप्ता। थोड़ा इंटरवल कर लें, फिर वो एक वो इंसाइक्लोपीडिया को देखने को, वाक्य बाद फिर उत्सव का प्रवचन होएगा। चंद्रमा ऊपर जा रहे पहलो स्पेसक्राफ्ट गयो तो मानस नो अने ना फुटप्रिंट पड़ा था ते वक्ते एम कहवा में आयु तू के लिटिल फुटप्रिंट विथ अ जाइंट इम्प्लिकेशन घणु नानु छे पण आना इम्प्लिकेशन बहु जाइंट छे अने राजू भाई ना योगेश भाई ना अने बद्धी टीम ना जे जे लोग आमा भाग भज्यो छे शरद बावाए એ બધાને અભિનંદન આપવા માટે શબ્દ જડતા નથી, કેમ કે પુષ્ટિમાર્ગની સૌથી મોટી વિટંબણા જો કોઈ હોય તો એ છે કે ગ્રંથો પ્રકાશિત કરીએ તો લેનારા નથી હોતા, જે લોકોને લેવા હોય છે એમને ગ્રંથો નથી મળતા, એટલે આંધલે બહેરું કૂટાતું જ હોય છે ચોમેર। આ એક સોફ્ટવેર એમણે એવો ડેવલપ કર્યો છે અને વર્લ્ડ વાઇડ એવી રીતે અવેલેબલ કરવાનો આપણને અવસર મળ્યો છે। ખરેખર શ્રી ગોપીનાથજીની પરમ કૃપા છે કે પંચશતી ઉત્સવ આપણે ઉજવી રહ્યા છે તેની સાથે આ કોઇન્સાઇડ થઈ રહ્યું છે। હું કોઈને પણ અભિનંદન આપવા કરતાં સૌથી પહેલા મને અભિનંદન આપવા માંગીશ કે આવા રૂડા અવસર ઉપર હું એક ભૂતળ ઉપર વિદ્યમાન છું, હજી વૈકુંઠવાસ નથી થયો, સો આઈ એમ અ વિટનેસ ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ ઓફ સચ અ જાયન્ટ ઇમ્પ્લિકેશન એન્ડ આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ એવરીબડી હોલ હાર્ટેડલી, સો નાઇસ ઓફ યુ। काम कोई आसान नहीं है, काफी बड़ी टीम वहां पे भी काम कर रही है कि जो पूरे ग्रंथों को लेके अंदर फीड कर रही है, उसके
ब्रिज भाषा में, गुजराती में, अंग्रेजी में ट्रांसलेशंस चल रहे हैं, वो ट्रांसलेशंस के ऊपर टिप्पणियां चल रही है, वो बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है ये देखना भी उतना ही मुश्किल काम है कि जो वहाँ पे चल रहा है अभी। टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी आती है, टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी आती है और फिर उसका हर एक भाषा में अनुवाद होता है। तो ये सारा काम बहुत दिनों से वहाँ चल रहा है। आप अभी जो देख रहे हो वो सारों का एक छोटा सा निचोड़ अभी जो बाहर आ गया है वो देख रहे हैं। जैसा योगेश भाई ने कहा कि आने वाले दिनों में और कई ज़्यादा पब्लिकेशंस इसमें से निकल आएंगे और हम सबकी पूरे पूरी इच्छा यही है कि इस प्रकार से आधुनिक तरीके से जिस किसी को भी इस वाङ्मय का अभ्यास करना है उनके हाथ में बराबर साधन दे दिया जाए, क्योंकि जब साधन बराबर हो तो उसका अभ्यास करने में उनको सहजता होगी और उनकी रुचि उसमें बढ़ेगी। अगर इसका इस्तेमाल करके जो भाई या बहन कंप्यूटर से डरते हैं वो भी थोड़ा धैर्य जुटा के इसके सामने आ जावे और थोड़ा प्रयास करके ये देखे तो हमें फिर बहुत खुशी होगी। ठीक है, सही बात है ना। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। पुरुषोत्तम जी माटे एम कहवाय छे कि जहाँ पधारता त्यारे 27 गाड़ा भरी ने चौपड़ीओ लई जाता, आपने गाड़ा भरवानी जरूरत नहीं पड़े। कोई पण गाड़ा भरवानी जरूरत नहीं पड़े, अपना गजवा में आटला बधा ग्रंथों आवे छे, तो जे खामी ज हशे ते आपनी खामी हशे, ग्रंथों में हवे कोई पण खामी नहीं रही जाए। अने एना माटे जे टीमे आ काम कर्यु छे, एटले पुरुषोत्तम जी ने केटलो बधो 27 गाड़ा भरी ने जवू, एटले 27 बैल बळद पछी गाड़ी ने चलावनारा એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ બધા ગાળા રહેતા હતા। આ બધું આપણો એક જ માઉસથી આવે છે, એટલે બળદની નહીં ચૂવાની જરૂરત છે। આ વાત ભૂલવી નહીં કે શ્રી ગોપીનાથજીના ઉત્સવના પ્રસંગે જ્યાં અદભુત સામર્થ્ય, કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું સામર્થ્ય આપણને ઉત્સવને પંચતિ પ્રસંગે આપણને ઉપલબ્ધ થયો છે, એને આપણે જાણીએ માણીએ અને સરખી રીતે પુષ્ટિ માર્ગની વાંગમયની સેવામાં વાપરતા થઈએ તેવી શુભકામના સાથે। જે પણ આચાર્યગણો છે એમને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, અને આ અવસરમાં ખાસ કરીને જે આ વિમોચનનો કાર્યક્રમ થયો શુદ્ધાદ્વૈત પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની વાંગમય સીડીનો, એ પ્રસંગમાં દૂર રહેવા છતાં પણ પરોક્ષ રીતે ભાગ લઈ શક્યો એની મને બહુ ખુશી છે। કાઉલાના હાથથી આનું વિમોચન થયું એ ઓર પણ આનંદનો વિષય છે, અને એ જે પ્રકાશન આપણે કર્યું છે સીડીનો એનો શું ઉપયોગ છે, કઈ રીતે કાર્ય કરે છે એના સંબંધમાં શ્રી યોગેશભાઈએ, અને એ કઈ રીતે આખો પ્રોગ્રામ તૈયાર કર્યો છે શ્રી ભાગવતજીએ, એ વિષયમાં તો પર્યાપ્ત આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, એટલે એ વિષયમાં ફરીથી કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી। ખાસ કરીને ભાગવતજીને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને નિરંતર આ કાર્યમાં એમની સાથે ટેકનિકલ ક્ષેત્રમાં જે જે લોકો પણ સંકળાયેલા રહ્યા એમનો પણ ખૂબ સમય એમાં લાગ્યો છે, એમની પણ ખૂબ જ પરિશ્રમ લીધો છે, એટલે પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે। બાકી વસ્તુ તો સંપ્રદાયનું કાર્ય છે, અને આપણે જો સંપ્રદાયના છીએ તો કોઈને કોઈ વિષયમાં ધન્યવાદ આપવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી, આપણે આપણા માટે કરી રહ્યા છીએ તો આપણે સ્વયં સ્વયંને ધન્યવાદ આપીએ, એ જ આમાં કહેવાનું રહે છે। આ વિચાર ખરેખર એટલા માટે આવ્યો કે એક વખત ઇગતપુરીથી બુદ્ધ ધર્મના ત્રિપિટકની એક સીડી મેં જોઈ હતી, અને એમાં એમના બુદ્ધ ધર્મના ત્રિપિટકના લગભગ 22-24 વોલ્યુમ એમણે એ સીડીમાં કેવળ દેવનાગરી લિપિમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વની અનેક લિપિમાં એ સીડી એકમાં એમણે સંકલિત કરી અને મૂક્યા હતા। તો એ સીડીને જોયા પછી મને એક સહજ જ વિચાર આવ્યો કે આપણા સંપ્રદાયનું આપણે આવું કેમ ન કરી શકે, કેમ કે એટલા નાના માધ્યમમાં આપણી પાસે આટલું બધું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ થઈ જાય
અને એનો ઉપયોગ પણ આપણે અનેક રીતે કરી શકીએ. એ દરમિયાનમાં રીડર્સ ડાયજેસ્ટની ટેન્સ બસ્ટર નામની એક સીડી મારી પાસે આવી, જેમાં ઇન્ટરેક્ટિવ રીતે એ લોકોએ અંગ્રેજી ભાષાને શીખવવાનો એક પ્રયાસ કર્યો, જેમાં તમે કોઈ પણ પેરેગ્રાફને સિલેક્ટ કરો અને એ પેરેગ્રાફનો તમે પ્લે પણ કરી શકો ત્યાં. તે જ રીતે ત્યાં પ્રશ્નોત્તર પણ તમે કરી શકો, તમારી પરીક્ષા પણ થાય અને એનું તમને રિઝલ્ટ પણ મળે, એવી એક ઇન્ટરેક્ટિવ સીડી મેં જોઈ. એટલે ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે ત્રિપિટકનું કેવલ ત્યાં ગ્રંથના રૂપમાં સંકલન છે, પરંતુ એનો ઉપયોગ કરવા માટે જે એડિશનલ ફીચર્સ જોઈએ એ એમાં ઉપલબ્ધ નથી. તો આપણે એક એવું કાર્ય કરીએ કે જેમાં આ બંનેનો સમન્વય હોય. એટલે એ વિચાર કરતા કરતા અગર કોઈને ગ્રંથનો અધ્યયન સીડીના માધ્યમથી કે કમ્પ્યુટરના માધ્યમથી કરવો છે તો કઈ કઈ વસ્તુઓની એને જરૂરિયાત ઊભી થઈ શકે એ બધી કલ્પના કરી અને અત્યારે ઉપલબ્ધ જે ટેકનોલોજી છે એના સહાયતાથી આપણી પાસે જે આર્થિક અને જે ટેકનિકલ સામર્થ્ય છે એ આપણી સીમામાં રહીને આપણે કેટલું વધારે આમાં ફીચર્સ એડ કરી શકીએ છીએ એ વિચાર કરતા રહ્યા અને એક કે પછી એક આમાં આપણે ફીચર્સ ઉમેરતા ગયા, જેમાં ટેકનિકલ ડિક્શનરી છે, પછી ઉદ્ધરણની સૂચિઓ છે. એ સાથે સાથે એક વાત યોગેશભાઈ આમાં સાહેબ મેન્શન કરવાનું રહી ગયું છે, આપણે આની અંદર હિસ્ટ્રી પણ મેન્ટેન કરીએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ કરવા બેઠો છે અને અમુક સમય સુધી એનું અધ્યયન મુકાઈ ગયું છે, અચાનક એ ફરીથી સ્ટાર્ટ કરે તો એને આના પહેલા જેટલા વિષયો પબ્લિકેશન્સને જોયા છે એમાં જે કંઈ નોટ લીધી છે એની પણ એક હિસ્ટ્રી આ પ્રોગ્રામ પોતે મેન્ટેન કરે છે. હજી આમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ઉમેરવાની છે, આ એકમાત્ર મંગલાચરણ છે. આપણી પાસે ઘણું બધું સાહિત્ય છે અને ખરેખર નવું કંઈ પણ ન કરાય તો અત્યાર સુધી આપણા પ્રાચીન વૈષ્ણવોએ આચાર્યોએ જે સંકલિત કર્યું છે, જે અનુવાદ કર્યા છે, જે વિવેચન કર્યા છે એને આપણે સમયે સમયે રિપ્રોડ્યુસ જ જો કરતા રહીએ તો પણ આપણા સંપ્રદાયને કોઈ વસ્ફોટ ચાલે એવું નથી. તો આ દિશામાં એક પ્રયાસ છે અને બધા લોકોનો આમાં સહયોગ બીજી કોઈ રીતથી ભલે ન થઈ પરંતુ આ માધ્યમનો ઉકારે બધા અને ઉપયોગ કરી અને પછી એના ફીડબેક અમને મળે તો અમે વધારે સારી રીતે આ કામને કરી શકીશું. બસ એટલી જ મારી બધાને પ્રાર્થના છે. ફરી ફરીને ઉત્સવની બધાને ખૂબ ખૂબ વધાઈ અને શ્યામદાને ખાસ મારા પ્રણામ અભિનંદન. આપણી શરદ ઋતુ આને જા રહી હરવા શરદ ઋતુ કેવા મેં એસા હવે ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરંતુ મનશ્ચક્રે યોગ માયા ઉપાશ્રિત. તે જો ડિજિટલાઇઝ કરકે ઓર યે વેબસાઇટ પે કોઈ અવેલેબલ કરના યે ભી એક યોગ માયા હૈ હો ઓર યે શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા સુ ભયો હૈ તો શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગોસાઈજી શ્રી ગોપીનાથજી યા યોગ માયા સુ વિક્ષરંતુ મનશ્ચક્રે અપનો મન કરેંગે ઓર એક આસકો રથિરાસો રયતો ભવેત કો ક્રમ શરૂ હોવે એસી શ્રી ગુસાઈજી મહાપ્રભુજી ગોપીનાથજી અપને કો આશીર્વાદ દે. બસ યે એક શુભ મેરી શુભકામના સબકે પ્રતિ ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ હૈ મેરે પ્રતિ ભી. મેં સમજુ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા કો અર્થ આપ સમજ ગયે હોગે. ભલે
करो करो शुरू। वो बेस पेपर को नहीं कर रहे हूं अभी, वो किशनगढ़ में करूंगा। श्री गोपीनाथ जी को पंचशती उत्सव अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। अपन जाने अच्छी तरह सुयाबाद को के श्री गोपीनाथ जी को भागवत पारायण करने के बाद प्रसाद लेवे को नियम है, तो वो पारायण पूरी होती नहीं होती, एक दिन दो दिन और वह हिसाब से प्रसाद लेते। अपने साथ भी ऐसे ही भयो, सोचे तो अपन ने ऐसे कि एक बरस में भागवत पूरी कर लेंगे, पूरी भई नहीं। और एक्चुअली जब अपन करने के लिए कोई एक मुकाम तक पहुंचे, तब अब ऐसे फील हो रहा है कि जितनो किया है उतनो ही पाछा बाकी बाकी है अपनो। तो लगभग 5 शिविर तो दशम स्कंद के, 1 शिविर एकादश स्कंद को और 1 शिविर द्वादश स्कंद को, तो 5 और 2 7 शिविर तो अभी भी अपने बाकी हैं। और पंचशती पूरी हो गई, महाप्रभु जी अपने को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम लिख के पधरा नहीं रहे दूसरों के, जहां अपन यहां को पूरा कर सकें शॉर्टकट में। पर या संदर्भ में कुछ खास बातें श्री गोपीनाथ जी के बारे में मैं करना चाहूंगा। और वासु भी पहले एक बात जो खास मेरे को कहनी है, श्री महाप्रभु जी के बधाई में कभी वक्त शुरुआत की कड़ी नहीं याद आ रही है, बहुत करके फलो जन भाग्य पथ पुष्टि प्राकट करण व बधाई में एक शब्द आवे है, सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे। सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे, एक बात समझो, मर्यादाएं एक नहीं है, बहुत सारी मर्यादाएं हैं। और प्रायः सभी आचार्यन को जिनको जो मर्यादा पसंद आई उनने उन मर्यादान को मंडन कियो। अपना महाप्रभु एक ऐसा आचार्य है कि सकल मर्याद मंडन है। अपन कहेंगे अपने तो मर्यादा ही नहीं है, पुष्टि है, तो क्या ये कौन से भगवदी को लिखे हुए पद है? पद्मनाभ दास जी को, कृष्णदास जी को। थैंक यू। तो कृष्णदास जी तो महाप्रभु जी के कंटेम्पररी हैं, महाप्रभु जी के सेवक हैं। और वो या बात को जा वक्त कह रहे हैं तो एक बात समझो, श्योर है ना तू कृष्णदास जी को ही है? अच्छा, तो वो जा वक्त या बात को कह रहे हैं तो न तो मिथ्या स्तुति के रूप में कह रहे हैं और न अतिशयोक्ति के रूप में कह रहे हैं। जिन जैसा देखा तिन तैसा पेख्या, वो स्वरूप है
और वो स्वरूप सिर्फ कृष्णदास जी को ही दिखो ऐसा नहीं है। अपने दुर्भाग्य के अपन महाप्रभु जी को वा एंगल से नहीं देखे, याली अपने को महाप्रभु जी को ये स्वरूप नहीं दिखे, वरना तो थोड़ी भी अपने को देखने की एक दृष्टि होए, देखने की दृष्टि होए तो महाप्रभु जी को पूरो स्वरूप विचार व्यवहार सकल मर्याद मंडन को है। अपन ने मर्याद को अर्थ बहुत सीमित रूप में मर्यादा और पुष्टि के डायकोटॉमी में कियो, यहां वो डायकोटॉमी यहां इंटेंडेड नहीं है। ये पुष्टि वर्सेस मर्याद वाली मर्याद की बात नहीं है, क्योंकि यदि वो मर्याद होती तो एक ही मर्यादा है, वचसा वेद मार्गम ही, वो एक ही मर्यादा है। महाप्रभु जी ने एक मर्यादा को नहीं, सारी मर्यादान को मंडन कियो है, और उन मर्यादान को मंडन कियो है। एक सामान्य बात आपको बताऊं तो अपने को आश्चर्य हुए होएगो के कुछ लोग जीवन के दृष्टि में अद्वैत, जिनने अपने विचार दृष्टि में अद्वैत की मर्यादा बांधी, वो द्वैत मर्यादा को मंडन नहीं कर पाए, खंडन कर दिए उनने। जिन वेदांति ने द्वैत की मर्यादा बांधी, वो अद्वैत को मंडन नहीं कर पाए। अपना महाप्रभु ऐसा है कि अद्वैत की मर्यादा को मंडन कर रहे है, साइमल्टेनियसली द्वैत की मर्यादा को मंडन कर रहे है, भगवान के स्वरूप की मर्यादा को मंडन कर रहे है, स्वरूप को जो अद्वैत है, तो वह मर्यादा को मंडन ऐसे ढंग से नहीं कर रहे है कि लीला में जो द्वैत प्रकट हो वो मर्यादा खंडित हो जाए माइक कह के या कोई तरह की नॉर्म्स सेट करने की एक सिर्फ एंगल है, ऐसे तरह से नहीं। लीला की जो मर्यादाएं हैं ऊंची से ऊंची और नीची से नीची, उन सारी मर्यादाओं को मंडन कियो है। जो लोग सुबोधनी पढ़े हैं उनको यह बात समझ में आ सके, हर एक को नहीं समझ में आ सके, आज अपने को अब अवेलेबल होएगी या साइट के कारण सारे ग्रंथ विथ ट्रांसलेशन, तो जब अपन देखेंगे तो अपने को ख्याल आएगा कि यदि कोई पॉलिटिक्स की बात आ जाए, पॉलिटिक्स की जितनी मर्यादाएं वकी सबको मंडन कर दिए महाप्रभु जी ने। यदि कोई एजुकेशन की मर्यादा आ रही बात आ रही है, सारी मर्यादाएं मंडित करी है एजुकेशन की, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सुबोधनी में ये सब बिखरे भय हो, अपन के पास दृष्टि नहीं है करके अपने को मिले नहीं है। यदि श्रृंगार शास्त्र की मर्यादा है, महाप्रभु जी ने पलायन नहीं कियो है, पलायन नहीं कियो है, श्रृंगार शास्त्र की मर्यादा को भी मंडित कर दी है। यदि वैराग्य शास्त्र की मर्यादा है, वाकु भी मंडित करी है महाप्रभु जी ने। कैसा वैराग्य, कब वैराग्य, कितनो वैराग्य, कौन के लिए वैराग्य, कौन के लिए, जितनी मर्यादा है कोई मर्यादा को महाप्रभु जी ने खंडित नहीं कियो है। काव्य की, व्याकरण की, न्याय की, ग्रामर की, जहां से जो शास्त्र आ रहे हैं, अपने लाइफ के जो फैसेट्स हैं, उन सारे फैसेट की जितनी मर्यादाएं हैं, वो सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे, अपन देख सकें। यही लिए असुरन की जो मर्यादा आती,
उन मर्यादान को मंडन करने के लिए आचार्य शरण ने कितनी स्ट्रगल करी है कि नहीं, असुरन की भी जो मर्यादा है भगवान के लीला में प्रकट होने के बाद, वाको खंडन यदि देवता करतो होए तो महाप्रभु जी कहें एवं इंद्रे महापुष्टि सर्व बाधा निरूपिता और सर्व बाधक रूपा ही दैत्य पुष्टि रथोच्यते। दैत्य की मर्यादा को मंडन करिए, दैत्य की भी कोई एक मर्यादा है। मर्यादा माने हर चीज की एक अपनी डिग्निटी है, हर चीज की अपनी एक इंटीग्रिटी है, और वह डिग्निटी और इंटीग्रिटी को जब तक अपन संभाल नहीं पावे तो कहीं न कहीं जो है वो केओटिक सिचुएशन हो रही है। महाप्रभु जी के मत में अपन देखें तो एक आश्चर्य हो कि वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादा होती वासु जरा भी छेड़छाड़ करी नहीं, तो अपने को लगे कि वर्णाश्रम के महाप्रभु जी मुल्ला होंगे। ऐसी बात नहीं है पाची, वर्णाश्रम के महाप्रभु जी मुल्ला नहीं है। वर्णाश्रम की मर्यादा को पूरी मंडित करने के बाद महाप्रभु जी में यह कहने की हिम्मत है, जैसे एक खाली माधवदास की वार्ता देखो कि वहां ने वेश्या रखी और जब सबन ने हल्ला मचाया कि भाई ये वेश्या रखे, उनकी वेश्या रखी तो ये कह तो क्या रहे हो कि स्नेह कर रहे हो, कह रहे हो ना। ये स्नेह को भगवत स्नेह में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? कोई के बाप की ताकत है? खुद रख लेगो वेश्या दूसरे की रखी भाई वेश्या को जस्टिफाई नहीं कर पाएगो। टू डिफिकल्ट। और खास करके जब वक्त धर्म को उपदेश देने बैठे हो वह वक्त व्यक्ति, जिनने महाप्रभु जी के साथ द्रोह किया उनके द्रोह की मर्यादा महाप्रभु जी ने कितनी निभाई है, वार्ता में देखो तो बिखरे भयो मिलेगा या बात को कि भाई जिनने द्रोह किया ठीक है द्रोह किया, पर उनकी भी कोई मर्यादा तो है ना। ऐसे नहीं कियो कि तुम नरक में चले जाओगे, भस्म हो जाओगे, ये हो जाएगा, ढिकड़ो हो जाएगा, पुछड़ो हो जाएगा, नहीं, उनकी एक मर्यादा है। मैंने यहां तक महाप्रभु जी कहते हैं कि थोड़ा अंतराय भाव को हो गया पर ऐसा नरक तो नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर क्रिया की कोई एक डिग्निटी है और वह डिग्निटी को महाप्रभु जी ने अटमोस्ट निभाने की मैं प्रयास कियो। वहां में दोनों तरह के उपदेश महाप्रभु जी के हैं, विथ वर्णाश्रम पुष्टि भक्ति कैसी होनी चाहिए और विदाउट वर्णाश्रम पुष्टि भक्ति कैसी होनी चाहिए। आज अपन ने जो साधन दीपिका को गोपीनाथ जी को पाठ किया वो विथ वर्णाश्रम कैसी पुष्टि भक्ति होनी चाहिए, वो महाप्रभु जी की वो मर्यादा को है, या मैं गोपीनाथ जी को एक शब्द खुद को नहीं है विचार इनको जो पिता ने कही है मर्यादा बताइए, वो नया सिंसियरली रिप्रोड्यूस करिए। अपन पढ़ पढ़ के दुखी हो जाएंगे, अपन पढ़ पढ़ के दुखी हो जाएंगे क्योंकि शुरुआत में ही लफड़ा हो जाए। मैंने चार वर्ण की बात आए तो लफड़ा हो जाए, स्त्री पुरुष की बात आए तो लफड़ा हो जाए। अब जैसे एक सामान्य बात बताऊं आपको कि या मैं ऐसा आयो कि स्त्री कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सके, स्त्री स्वतंत्र हो तो सारे लफड़ा पैदा होंगे, ये वर्णाश्रम की मर्यादा होती। अपने को आज के जो सोशल सेटअप है वहां में एकदम मिर्ची की तरह चुपती भाई बात लगे के जहां वुमन लिबर्टी की बात चल रही है वहां ऐसी बात दकियानुसी की कैसे कर दी। अरे भाई, पर एक सीधी सी समझने की बात है कि आर्मी की भी तो कुछ मर्यादा होवे कि नहीं, वहां लिबर्टी आर्मी को कहां अपन दें? आर्मी की कुछ मर्यादाएं हुए हैं, कुछ सोसाइटी मने आदमी के सिटीजन की कुछ मर्यादाएं हुए हैं, सिटीजन को अपन सिटीजन की वाकी मर्यादा में अपन AK-47 रखे तो अपन अरेस्ट करें, आर्मी की मर्यादा में AK-47 पकु प्रोवाइड करी जाए, तो हर एक की मर्यादा है ना। कहीं लिबर्टी है, कहीं लिबर्टी सस्पेंड करी गई है, हर चीज को वाकी मर्यादा के अनुसार देखें तो अपने को वाको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आवे, नहीं तो पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आवे अपने को। अब आज की तारीख में जैसे अपन कहें कि भाई सबसे पहले जाके
गोबर सू जो है वो जमीन लिपो। गोबर सू जमीन कौन सी लिपी जाती थी? जो कच्ची जमीन होती थी। अपनी या फर्श को अपन गोबर सू लिपेंगे ना तो साफ होने के बजाय गंदी हो जाएगी। वो वाह जमाने की मर्यादा है, समझे? जो वाह वक्त की जो लाइफस्टाइल थी, वाह लाइफस्टाइल की मर्यादा है। ये मर्यादा क्योंकि महाप्रभु जी ने वो सारी मर्यादाएं निभाई हैं, और महाप्रभु जी ने वाह मर्यादा के अलावा जो दूसरी मर्यादाएं हैं वो भी निभाई हैं सबकी। मैंने किरात हुणंद्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसा दय ये न्यच पापा यदुपा श्रया श्रया शुद्ध्यंति तस्मय प्रभ विष्णु वे नम। वो वर्णाश्रम मर्यादा को वहां कोई रोल नहीं है। और सबसे बड़ा अपन ये बात समझ सके कि कृष्ण के चरित्र में जा बखत कृष्ण व्रज में प्रकटे वह वक्त सब वर्णाश्रम की मर्यादा बलाए ताक रखी थी भगवान ने, खुद ने बलाए ताक रख के जो लीला करनी थी सब करी। और वही कृष्ण पाछे द्वारका पहुंच गए तो फिर वर्णाश्रम के झंडाधारी हो गए। तो एक बात ध्यान समझो कि भगवान ने अपने वहां में हरेक मर्यादा की जो है वो मंडन कियो है, कोई भी मर्यादा को खंडन नहीं कियो है। पर हर मर्यादा को प्रॉपर पर्सपेक्टिव क्या है, प्रॉपर प्लेसमेंट क्या है, वो अपन समझे तो अपन जस्टिस कर सके, नहीं तो व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हो जाए। श्री गोपीनाथ जी की आखी जैसे ये एक साधन दीपिका एक ग्रंथ है, इनको आंखों सेवा को एक भक्ति मार्गी भाव को ग्रंथ भी और है, अद्भुत ग्रंथ है। बहुत सारे श्लोक यामेसु श्री गोसाई जी ने अपनी सेवा के भावना में इनकॉर्पोरेट कर लिए, या लिए आज अपने को ऐसे लगे कि ये गोसाई जी के श्लोक हैं, पर बहुत सारे श्लोक श्री गोपीनाथ जी के हैं, गोसाई जी ने इनकॉर्पोरेट कर लिए या लिए अपन को गोसाई जी के लग रहे हैं। बहुत सारे इनके श्लोक में क्योंकि गोसाई जी ने इनकॉर्पोरेट कर लिए करके इनके श्लोकन में गोसाई जी के श्लोक भी पाछे मिल गए, क्योंकि गोपीनाथ जी को साहित्य उतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं भयो। शरद बाबा ने पहली बार जब ये पुस्तक छापी तब बहुत बड़ा एक अभिनंदनीय कृत्य कियो, श्री गोपीनाथ जी की बड़ी सेवा को कार्य कियो कि वो सारी बातें जो मटेरियल अवेलेबल है गोपीनाथ जी के बारे में वाकु या में इकट्ठो करके उनने दियो। और या में अपन देख सके हैं एक बहुत मजेदार बात कि अपने यहां बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि हवेली है कि घर सेवा है। अब देखो ध्यान से देखो कि आज 99% वैष्णवन को और हम महाराजन को यह भ्रांति सता रही है कि अपने यहां घर सेवा है। चर्चा सभा में भी जा वक्त ये प्रश्न उठे तो कि घर सेवा है कि हवेली सेवा है, तो सबन ने कही कि गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में कही है वो मंदिर सेवा है। आश्चर्य होगा आपको कि गोपीनाथ जी ने मंदिर सेवा साधन दीपिका में उनके लिए बताइए जिनसु घर सेवा हो नहीं सके है, और उनमें भी खास करके उनके लिए जो स्त्रियां हैं जिनको वार्ड जमाना के सेटअप में घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। आज की तो स्त्रियां जो हैं वो सुबह से सर्विस पर जा रही हैं, रात को घर पर आ रही हैं, कल शायद पुरुषन को रोटी बनानी पड़ेगी और बर्तन मानने पड़ेंगे। गए वो जमाना के औरतें रोटी बनावे और ऑफिस में से आके पुरुष खावे और ये एक्सपेक्ट करे कि हम घर में ऑफिस में आवे तब चाय हमको तैयार मिलेगी। नेक्स्ट ऐसो फेज आ रहे है कि पुरुष को चाय बिस्कुट लेके तैयार रखना पड़ेगा और जॉब पे से वाइफ आके कहेगी कि चाय है कि नहीं, ओके गो हाँ मैडम तैयार है। जमाना बदल रहे तो कौन के लिए मंदिर रात बताइए। और वहां भी फिर ये कहना गोपीनाथ जी भूले नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके करो,
गुरु की सिर्फ आज्ञा ले आओ और अपने घर में चित्र सेवा करो तो तुमको चित्र सेवा भी उतनी ही फलदायी है। तो हर एक की मर्यादा है। पर इंसिडेंटली जितनो मिसयूज अपन गोपीनाथ जी के साधन दीपिका के या तरीके के वचनन को कर रहे हैं, सारी साधन दीपिका या बात को जोर शोर से भार दे के कह रही है कि यदि वैष्णव है तो अपने घर में सेवा करे। आंखों जो ये टाइम टेबल बनायो है साधन दीपिका में, वो ग्रह सेवा को टाइम टेबल है, मंदिर सेवा को टाइम टेबल नहीं है। माइंड इट, पढ़ के देखो, पारायण करके देखो, अनुवाद पढ़ के देखो। एक वचन मिल गए हो, कौन सो के ना वहां में एक क्या के अलंकृत्यापि सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत, अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। तो भगवान को श्रृंगार धरा के और फिर जो है वो अपने भक्तन को दर्शन कराए जा सके यासु हवेली है। पर अलंकृत्यापि सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत घर सेवा के कॉन्टेक्स्ट में कहो, हवेली सेवा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहो है। आज बालक हैं हम, बालक हो तुम, वैष्णवन को बेवकूफ बना रहे हैं कि हवेली में नहीं आओगे तुम तो तुमको सेवा को कोई सौकर्य नहीं है, सेवा तुम कर ही नहीं सकोगे। हम पुष्ट नहीं करें तो तुमको सेवा करने को ठाकुर जी तुम्हारी सेवा ही अंगीकार नहीं करें। गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के ज्येष्ठ लाल जी क्लियर शब्द में कह रहे हैं, गुरुदत्ता स्वयं लब्धा, तुमको खुद को कोई ठाकुर मिले वा की सेवा करो। गुरु के दिए भय पधराय ठाकुर की सेवा करना गोपीनाथ जी ने आवश्यक नहीं माना। हम लोगन की प्रॉब्लम क्या है कि तुम या तरह से खुद सेवा करने लग जाओगे तो वो जो ठाकुर जी को पुष्ट करने की हमने रेट रखी है, जो ब्रह्म संबंध देने की हमने रेट रखी है, आजकल अमेरिका में ब्रह्म संबंध की $100 रेट हो गई है, $100 रेट चल रही है, अब वो कहां जाएगी। वाको पेट कूट रहे हैं, गोपीनाथ जी से वफादारी नहीं है हमारी। इफ एट ऑल गोपीनाथ जी से हमारी वफादारी होती तो हमको ये बात समझ में आती क्लियरली कि गुरु की पधराई भाई सेवा करी जा सके, तुम खुद अपनी सेवा कर सको। कोई वैष्णव तुमको पधरा दे, भक्तैरपि सुपूजितम व्यंगांगिमपि सेवेत यदि भावो न बाधते, ये कौन सी मर्यादा है। हवेली मर्यादा नहीं है, या मैं ध्यान से समझो हवेली मर्यादा को, इफ एट ऑल गुरु की हवेली की कोई मर्यादा है तो आपको खंडन भी नहीं है क्योंकि गुरु दत्ता। पर घर की जो मर्यादाएं हैं वहां में स्वयं लब्धा भगवान मूर्ति की भी सेवा हो सके है, और एक भगवदी दूसरे भगवदी को ठाकुर जी को गुरु को बीच में भेंट धरे बिना पधरा सके है। पर आज ये कहने पर हमारे को पेट को पानी हिल जाए क्योंकि हमारा वो प्रोफेशन है, और अनफॉर्चुनेटली गोपीनाथ जी को ये प्रोफेशन नहीं है तो भक्ति। पुष्टि मार्ग की आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कोई है तो भक्ति हमारा प्रोफेशन है, गोपीनाथ जी को भक्ति डिवोशन है, प्रोफेशन नहीं है। वहां एक ड्रास्टिक कंपार्टमेंट पैदा हो रहा है, प्रोफेशन की भी मर्यादाएं हो सके ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी को कंसल्ट करोगे तो हर प्रोफेशन की भी मर्यादाएं महाप्रभु जी ने बताई है, और वह मर्यादा में रहकर प्रोफेशन होनो कोई को कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, मगर वो मर्यादा अपने को समझनी चाहिए, और अपने को घर की मर्यादा भी समझनी चाहिए। और घर की मर्यादा में जैसे मोहना भंगी सेवा करते तो, या जैसे परे सेवा करते तो, या जैसे ताज बीबी सेवा करती थी, वो कौन सी मर्याद पालते थे, वो कौन से जो है वो नेग भोग राग के ये बखर जंतर को पालते थे, कभी सोचो तो सही, तो अपने को पता चले। तो वाल ये में कुछ जो गोपीनाथ जी के भावना के श्लोक हैं उनके उत्सव को पंचशती को सेलिब्रेट करने के संदर्भ में आपके साथ शेयर करना चाह रहे हूं, जहां मैं सबसे पहलो भाव को श्लोक श्री गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि सुबह उठ के स्नान करके जा वक्त ठाकुर जी को जगाने जाओ, वह वक्त पहले भगवत धाम कह के और मंदिर को दंडवत करो। तो ठीक बात है, मंदिर अपने यहां भगवत धामात्मक होने से नमस्करणीय है,
जो मुख्य बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मार्जनम कृष्ण गेहस्य मनोविक्षेपकम रज नाशमेति तदर्थंच मार्जयामि तथास्तु। अरे ठाकुर जी जा जगह पे विराज रहे है, जा तरह को सेटअप गोपीनाथ जी को है, ध्यान से समझियो, वो सेटअप ऐसा है कि कंपाउंड एक है, रहने को घर अलग है, ठाकुर जी को बिराजने को घर अलग है, संडास पाछो अलग है, घर में संडास नहीं होते थे पुराने जमाने में, अभी भी गांवन में जाओ तो वही ट्रेडिशन है, या के लिए शौचादि गत्वा बहिर्गत्वा लिखे हुए, आज कौन बहिर जा रहे हो, न तो कोई महाराज बाहर जा रहे हो जा रहे, पुराने जमाने में शौच जो है वो घर के अंदर नहीं जाते, वास्तु देवता को इंसल्ट हो जाए, आजकल बेचारे वास्तु देवता को सब इंस्टॉल कर दें घर में और पाछा संडास वहीं बना दें, और वास्तु देवता भी माथा ठोकते हो फंस गए। ऐसे हमारे किशनगढ़ में कथा सुना में लोग, तो बनिया ने देवी की मानता मानी, कैसो मेरे बेटा हो जाएगा तो देवी को एक बकरा चढ़ाऊंगा, भैंस चढ़ाऊंगा, वकु बेटा पैदा हो गयो, बेटा पैदा होने के बाद भैंस चढ़ाने में वकु लोभ आ गयो, देवी ने एक दिन रात को गलती दवाई वाकी, अभी बेटा को मार दू यदि भैंस नहीं चढ़ावे तो, अन के माफ करो कल जरूर चढ़ा दूंगा, एक आखी भैंस ले जाके देवी से बांध आयो भैंस चढ़ा दी, और भैंस ने थोड़ी देर जोर लगाया तो देवी की मूर्ति उखड़ गई वहां से, अब वो रास्ता पे दौड़ रही थी भैंस और पीछे पीछे देवी की मूर्ति घिसट रही थी, तो भैरव जी को हंसी आ गई, तो अरे राजस्थान में कथा ऐसे सुना है कि अरे भैरिया काई दांत दिखा रही है, उन्होंने कही के तू बाणिया के पाले न पड़ी नती, जिसु मारी हंसी करे है बाणिया के पाले पड़सी तो तने खबर पड़सी काई हुआ है। ये पुष्टि मार्ग आखो अपने बनियान के पाले पड़ गए हो, को भैंस जो है पुष्टि देवी को घसट के ले जा रही है, खोपड़ी की भैंस हो, दूसरी भैंस नहीं, काली भैंस नहीं, अपनी खोपड़ी की जो भैंस है वो पुष्टि देवी को घसीट के ले जा रही है, भैंस वैंस को है नहीं हुआ, या तरीके की अपनी सिचुएशन है। गोपीनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं देखो, कि यदि जा स्थल पे कृष्ण विराज रहे है, माइंड इट, तुम्हारे यहां को छोटो गवाक होए, गोखला होए, कि छोटी मार्बल की या लकड़ा को होए, कि एक रूम होए, कि जो गोपीनाथ जी को सेटअप है वह सेटअप में एक आपको एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग होए, वाको मैं जा बखत बुहारी करूं हूं, छन्ना पोता करूं हूं, वह वक्त मेरा सेंटिमेंट क्या होना चाहिए कि कृष्ण तुम्हारे बिराजवे के स्थल को मैंने रजो रहित कियो, तो मेरे हृदय को भी राजस भाव से रहित करो तुम्हारी सेवा के लिए, ये भाव अपनो होना चाहिए। आत्मनो ज्ञान रूपस्य दुरितक्षक सयाय वही करोमि सेकोपलेपौ तग्रहे गोकुलेश्वर, तेरे घर में हे गोकुलेश्वर मैं ये कचरा क्यों हटा रहे हूं, कि मेरे दिमाग को कचरा हट जाए तेरी भक्ति करते वक्त, तेरी सेवा करते वक्त। अब तुमको कचरा हटाना मिले का है मंदिर में हवेली में बताओ, कचरा करना मिले है, हटाना तो नहीं मिले। हमारे प्रथमेश काका जी ने मंदिर के दीवाल पे सब लोग थूक देते थे तो पाटिया लगाए कि ये मंदिर की दीवाल है इस पे थूकना मना है, वा पाटिया पे इतना थूक्यो कि पाटिया ही दिखना बंद हो गया। तो तुमको तो मंदिर में कचरा करना मिले है, कचरा साफ करना तो नहीं मिले। कोई वॉलंटियर की तरह तुमने कभी कोई मंदिर को कचरा साफ कियो? कभी नहीं कियो। यहां भावना ये है, जा बखत सिंहासन पे पधरा रहे हैं, वा बखत देखो कह रहे हैं ततः सिंहासनास्तरणम कुर्यात्। ये सिंहासन प्रभु लकड़ा को या चांदी को या सोना को समझ के मत बिराजो, जा सिंहासन पे आपको मैं पधरा रहे हूं वाकु मेरे हृदय को सिंहासन मानो, या सिंहासन पे आप ऐसे साइनोस्थेसिया पैदा करो कि मैं सिंहासन पे नहीं विराज रहे हूं, मेरे सेवा करने वाले भक्त के हृदय में बैठ रहे हूं, ऐसो आप साइनोस्थेसिया करो।
ऐसो साइनेस्थेसिया आपको हुआ तो सेवा शुरू हो जाएगी। और वो साइनेस्थेसिया यदि नहीं भयो आपको, वो सेंटिमेंट आप में नहीं पैदा भयो, आपको ये सेंटिमेंट पैदा भयो कि सोना के चांदी के मार्बल के सिंहासन पे मुख बैठा रहे बड़ो भगवती है, गयो काम से भगवती, वो भाग तो हो जाएगा भक्ति से। जब आपको ये भाव पैदा होगा कि मैं ये सोना चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हूं, मैं भक्त के हृदय में सेवा लेने के लिए बैठ रहे हूं, तो बस अपनी आपके और मेरे बीच में सेवा को जो प्ले है, आपको स्पोर्ट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं। एक एक श्लोक देखो ना, अपने को आश्चर्य हुआ। भोग धरने को जा वक्त बात आयो, वा वक्त देखो श्री गोपीनाथ जी क्या कह रहे हैं, भुक्त्वा दत्त्वाति प्रियेभ्यो भक्तेभ्योति प्रियम सदा। प्रभु आप अरोग लो, अरोगने के बाद जो भी आपको प्रिय लगते हो उन भक्तन को यामेसु आप भी दो, जिन नहीं चाखे सुन मेरे भैया मेरी अंगुलिया चाट, तो ऐसे हमको भी दो। फायदा क्या तुमको देने से, बोले हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आप अपनो आरोग्य भयो हमको दोगे तो। और कृतकृत्यंच माम कुरु, कोई दिन सोचो हवेली में तुमको ये चांस मिले, या तरह से भोग धरने को चांस कभी तुमको हवेली में मिले, जमा कराने को चांस मिलेगो, या तरह से ठाकुर जी को अनुनय करने को चांस तुमको हवेली में नहीं मिलेगो। श्री गोपीनाथ जी वाक्य भाव बता रहे हैं भोग धरने को, श्री कृष्णांतर स्वरूप स्वकीयस्य ग्रहे मम, हे प्रभु मैं तो तेरो पर्सनल हूं सेवक, स्वकीय हूं, तू मेरे घर में भोजन कर, तू मेरे घर में भोजन करे, ऐसे भाव सुख मैं आज या के, अरे सारो ब्रह्मांड जब वाको है तो मेरो घर वाको नहीं है का, पर सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड नायक के हैसियत से तू आरोग रहे तो ठीक है, वो तो ब्रह्मांड नायक की हेडेक है, मेरे घर में विराज तो भयो भगवान का स्वरूप, मेरे घर में भोजन कर रहे हो ऐसे अभिमान से जा वक्त आरोग तो होए ना, तब मेरी कृतार्थता है। ये हवेली में संभव है, शांत चित्त से विचारो। खाली स्नान की बात बताऊं, ये तो भोग धरने की बात। श्री गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि स्नान के पहले जैसे अपन तेल लगावे मालिश करें, वो जो मालिश कर रहे हैं सुगंधी तेल की, वो कह रहे हैं कि या मैं चाहे चमेली को होए कि गुलाब को होए कि केवड़ा को होए कि मोगरा को होए, जो भी सुगंध होए वह सुगंध की भावना तुम मत करियो, वो तो सब हमारे दुनिया का फूल है, वो तो को बहुत सुगंध नहीं देंगे, कौन सा फूल तो को सबसे ज्यादा सुगंध देगा, स्नेहात्म गंध तेलस्य, मेरे स्नेह को जो फूल है वाकी सुगंध समझ के तू ये मेरे सुए करवा ले, तो शायद तेरो जो थके भय होगा ना, रात की थकान तेरी कम हो जाएगी, दिन में तो कोई तो को अपने स्नेह के फूल को तेल तेरे को मालिश करते हो। तो श्रीअंग पहुंचने की अपन देखो यह समझे कि गोपीनाथ जी मर्यादा मार्गी होते, पर पुष्टि मार्ग को या में गंभीरतम सार रखे भयो है। गोपीनाथ जी ने देखे तो अपने को रोमांच हो गए। स्नानार्द्रता निवृत्त्यर्थम प्रोंचितांग विभो मम दूरी कुरुष्व गोपीश कृपया लौकिक आर्द्रता। मैं तेरो श्रीअंग लूच रहे हूं, स्नान के बाद तो टुवाल से अपन शरीर पहुंचे ना, ऐसे मैं तेरो श्रीअंग पहुंच रहे हूं, तेरो शरीर पूछ जाए श्रीअंग पूछ जाए तो वाके कॉरेस्पॉन्डेंस में मुंकू क्या होना चाहिए कि मेरे जो लौकिक सूखोपन है वो दूर हो जाए, और तेरे भक्ति को जो गीलोपन है, आजकल डव साबु आवे ना जो वाकी एडवर्टाइजमेंट में आवे ना डव साबु की के वो चमड़ी में सूखोपन मिटा दे है, तो वो डव मुकू दे तू कि मेरे लौकिक डव जो है सूखोपन जो है मिट जाए, ऐसे कोई डव मुकू दे दे तू। गोपिकावद विप्रयोगे कालक्षेपाय सर्वथा कृष्णमूर्तिम प्रियाम कृत्वा
भजे तत्त स्वभावत। देखो कह रहे हैं अतः भावत्थ विप्रयोगे भी न स्थातुम शक्यते यत अत स्वहृदते भावै भूषये तम मनोमयम। यदि सचमुच में मुख कोई दिन तेरो विप्रयोग हुआ, अभी तो विप्रयोग हो नहीं रहे हो पर मांग विप्रयोग रहे हो ना, क्योंकि प्रेम मांग रहे हो है तो वियोग भी होएगो, तो वियोग में मैं तेरे बिना टिक नहीं पाऊं, तो मेरे हृदय के जो भाव हैं वो हृदय के भाव सु में तो कुछ सिंगार रहे हूं, ये हीरा मोती जवाहरात सु नहीं सिंगार रहे हूं। जब तुम ठाकुर जी को श्रृंगार धरो तब भाव तुम्हारा होना चाहिए, मैं ठाकुर जी को मैस्मराइज करते आना चाहिए कि यह हीरा मोती नहीं धरा रहे हूं, मैं अपने हृदय के भाव तुमको धरा रहे हूं और मेरे हृदय के भाव को तुम रैलिश करो। वो ठाकुर हीरा मोती पत्थरन को रैलिश करने वाला ठाकुर नहीं है, वो भावात्मक ठाकुर है, सब भाव को रैलिश करे है, वो बात कह रहे हैं। हवेली में कब संभव हो सके बताओ, ये इंस्ट्रक्शन सेवा को हवेली में कब संभव हो सके। व्रजेश रस रूपात्मम श्रृंगारम रचयाम्यहम स्वीकुरुष्व तदीयत्वात् स्वप्रिया कृतवत निशी। अरे तू श्रृंगार आत्मा है, तेरे को कोई दिन राधा ने भी सिंगारे होएगो, कोई दिन वाह वाह सेंटिमेंट वाह थ्रिलिंग सु मेरे भी श्रृंगार धर ले ना, बस बात बन गई। जैसे राधा तो को सिंगारती हो वाह वक्त तेरे को जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होते होगो, वाह तेरी को थ्रिलिंग तू मेरे कुछ, मैं जब तो को सिंगार रहे हूं तू फील करे तो बस मेरा श्रृंगार धराने की बात सफल हो गई। वेणु धराने की देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, प्रिया कारण दौत्य का भावे नाति प्रियम सुधा वेणुम धृत्वा धरे कृष्ण पूरे अस्वामृता धरे। अरे तू वेणु क्यों धारण भले, आजकल सब जो है ना वो मोबाइल में SMS भेजे हैं ब्लैंक मैसेज, वहां वक्त वेणु बजा के SMS होते तो मिस कॉल तो वह मिस कॉल की बात कर रहे हैं कि वेणु तेने धारण क्यों करी है, क्योंकि तू बुलाना चाह रहे है। एक दिन तो मैं तो को वेणु धरा हूं, वह मैं सु ऐसा सुर मुको सुना दे के तू मुको बुला रहे हो, मिस कॉल दे रहे हो, बस बात बन गई, अपनी धराने की बात बन गई, तेरे धरने की बात बन गई। ये सब कहां हवेली में पॉसिबल है, सोचो तो सही, कौन करेगा, मुखिया करेगा, ये मुखिया को तो मिस कॉल की जरूरत ही नहीं है, कॉल मिस करने की जरूरत है। श्रृंगार करने के बाद गोपिका वल्लभ भोग धरने में गोपिका भावत स्नेहम भुक्ता तासाम गृहे यथा मदर्पितम तथा भुंक्ष्व कृपया गोपिका पते। अरे तू गोपी क्या चोरी करने जाते, तो मैं तो को धर रहे हूं, एक दिन तो एक दिन अरोक के बता दे, बस बात बन गई अपनी सेवा की। एक एक इनके भावना के श्लोक देखे ना, आश्चर्य हो गए। फिर झगड़ा नहीं कर रहे हो सेवा को, कि जो मैं डिमांड है वो डिमांड पूरी नहीं हो तो काले बावटा दिखाओ, ऐसे नहीं, डिमांड है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, पूरी करे तो तेरी इच्छा की बात है, नहीं पूरी करे तो भी तेरी इच्छा की बात है, हम तो सेवा करते रहेंगे। वह भाव को सजेस्ट करने के लिए देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि परम कारुणिको न भवत पर परम शोच्य तमो नहीं मत पर इति विचिंत्य सदा मई किंकरे यदुचितम व्रजनाथ तवाचर। तेरे से ज्यादा कारुणिक कौन है, मेरे से ज्यादा सोचनी अवस्था में कौन पड़े भयो है, अब मुकुए मेरे लिए क्या तू प्रोवाइड करे तो वहां में अच्छो होएगा, वो मैं तो नहीं जान सकू ना, तो मेरे लिए जो कुछ अच्छा हो वो तू कर, वो मुको एक्सेप्टेबल है, जो भी तू करे। मांग तो रहे हो क्योंकि मेरी ये मांग है, पर वो जो मैं मांग रहे हूं वो मेरे लिए अच्छी है कि बुरी है, वाको जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो तो मेरे में नहीं है, तो जो तोकू मेरे लिए मुको देने के लिए अच्छा लगता मैं तो किंकर हूं। किंकर शब्द समझो एक बात, संस्कृत में नौकर को किंकर कहो जाए, अपन यह समझे कि किंकर वाको सिनोनिम है, किंकर की इटमोलॉजी ऐसी है
कि जो ऑलवेज या बात को एक्सपेक्टेशन रखे कि अब जाके बात क्या करूं, अब जाके बात क्या करूं, किंग करो मी, किंग करो मी, एक काम कर दिया वाके बाद दूसरा काम क्या करूं, वाकी जाकू एक्सपेक्टेशन हो वाकू किंग कर कर जाए हो, जाकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार तो कर दिया, घड़ी घड़ी काय को घंटी बजा रहे हो, तो वो किंकर नहीं है। एक वक्त चाय सप्लाई कर दिया, घड़ी घड़ी काय को चाय मांग रहे हो, तो वो फिर किंकर नहीं है। पर जा में ये भावना हो कि एक काम कर दियो अब दूसरो क्या करूं बताओ, वाको नाम किंकर हो। संस्कृत के शब्द हैं, बड़े मीठे शब्दों में वाली फिर मना रहे हैं। वैसे ये श्लोक गोसाई जी के नाम पे प्रचलित है, पर गोपीनाथ जी गोसाई जी ने लियो कि गोसाई जी ने गोपीनाथ जी में या को डालियो, हिस्टोरिकल अपन अब ट्रेस आउट नहीं कर सके। पर ऐसे कह रहे हैं कि कियान पूर्वम जीव तदुचित कृतिश्चाप कियती भवान यत सापेक्षो निज चरण दास्य बत भवेद अत स्वात्मानं स्वं निरुपम महत्वम व्रजपते समीक्षास्मन नेत्रे शिशिरे निजास्यांबुजरे। तेरे और मेरे में यदि कंपेयर करूं, कोई कंपैरिजन हो नहीं सके। तेरी रिक्वायरमेंट और मेरे सप्लाई, तेरी डिमांड और मेरे सप्लाई कोई प्रपोर्शन हो नहीं सके। तो अब वाक पैरामीटर पर मैं यदि देखने जाऊंगा तो तब मेरी सेवा फ्लॉप है। पर एक बात समझ कि तू अपनो महत्व यदि समझ तो है कि तेरो महत्व कितनो है, तो तू मुझसे क्या लेना चाह रहे है वो मुझको बता दे, तो बस वो फिर छोला भी हो तो 56 भोग हो जाएगा। सेवितोत्र हरे रंतुम ग्रहे मद हृदयात्मके। जब ठाकुर जी को अनवसर कर रहे हैं, वह वक्त ठाकुर जी को क्या बात कहनी है, वहां पर गोपीनाथ जी बता रहे हैं कि या घर में मैंने तेरी सेवा करी, ये घर कैसो है, ये मेरे हृदय को रिप्रेजेंट करने वाला घर है, मद हृदयात्मक ग्रह है, मेरो हृदय को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। अब या के द्वार में जो बंद कर रहे हूं या लिए कि थोड़ी देर तू या में शांति ले सके। जा घर में मैंने तेरी सेवा करी, वाके अब मैं कपाट बंद कर रहे हूं या लिए कि भाई तुक भी तो थोड़ा लोनलीनेस तो चाहती होगी ना। देखो भावात्मकास्मद हृदय पर्यंके शेष रूप के चिंता संतान अंत नहीं, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्दिशायनम को रिफर करके कह रहे हैं गोपीनाथ जी। भावात्मक अस्मद हृदय पर्यंके, मेरा हृदय एक झूला है, झूल तो रहे, झूलना शुरू करे तो कोई भी एंगल में झूले ना, वेट हो तो थोड़ो बराबर झूले, हल्को झूला हल्के ढंग से झूले, बैठ के अपन झूले ना तो हमें एक अच्छी रिदम आवे। तो वो मेरे हृदय जो है वो शेष रूपक है, या मैं तू ऐसो झूल के पौड़। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपन इनको मर्यादा समझे हैं, पर ठाकुर जी के उत्सव में कृष्ण को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जा कृष्ण की अपने को सेवा करनी है। स्वार्थम प्रकटितम कृष्णम आनंदाकारम उत्तमम। अपने घर में जा वक्त अपन जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वह वक्त भगवान की जा विग्रह को जा मूर्ति के साथ अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां में अपने को ऐसे सोचना चाहिए कि यह स्वरूप भगवान ने मेरे लिए प्रकट किया है। वो फिल्मी गाना तो ना, न जाने इनमें किसके वास्ते हूं मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। तो बहुत सारी भगवान की हजारों मूर्ति हैं, पर मेरे लिए ये मेरे लिए स्वरूप है। ये भाव अपने को होवे तो अपन वहां की सेवा बराबर कर सके, नहीं तो सेवा बराबर नहीं होगी। कितनी मस्त बात कह रहे हैं, लोके सर्वम परित्यज्य लीला सिद्धिम अचिकृप प्रभु परिकृता दृष्टि तथा मई कृपा करो। अरे तू भूल गया क्या कि कृष्ण के रूप में जा वक्त तू जन्म्यो, वक्त सारी बात भूल के तेने सिर्फ भक्तन के साथ लीला करी थी,
एक वक्त तेरा ब्रह्मांड नायक पन भूल जा ना, मेरे साथ तू सेवा लेने को स्पोर्ट स्टार्ट कर। मैं तेरी सेवा करूं, मैं जगाऊं तो जगह, मैं पौड़ाऊं तो पौड़े, मैं स्नान कराऊं तो स्नान करे, मैं भोग धरूं तो आरोग्य, ऐसी अपन दोनों के बीच में स्पोर्ट स्टार्ट हो जाए तो निरोध सिद्ध होगा। नहीं तो अपना निरोध सिद्ध नहीं होगा तो पहले तोकू मेरे में निरुद्ध होना पड़ेगा, तब मैं तेरे में निरुद्ध होंगे। एक धमकी है जन्माष्टमी के दिन। यदि तू मेरे में निरुद्ध नहीं भयो तो मैं तेरे में निरुद्ध नहीं हो पाऊंगा। पवित्रा की देखो भावना, देखो या करता वार्षिकी सेवा, एक बरस जो मैंने सेवा करी वाकु प्रतिदिन के एक सूत्र सु एक करके मैं तो को पवित्रा धरा रही हूं। तुमको हवेली में कब पवित्रा धरा न मिले बताओ। ये सारी बातें हैं जो अपन को या बात को माइंड को कचरा साफ करें कि गोपीनाथ जी मर्यादा मार्गी नहीं है। साधन दीपिका में उनने वा बखत को जो सेटअप हतो वर्णाश्रम को वा सेटअप में पुष्टि मार्ग को कैसे जीना वो बतायो, वा के पैरेलल भाव से पुष्टि मार्ग को कैसे जीनो ये भाव के पदन में दिखायो है। और वो अपन सोचे ना, एक कल खाली बस ठाकुर जी को जगाते वक्त इतना सोचोगे ना तुम कि ठाकुर मैं तो कुछ सिंहासन पे नहीं बैठा रहे हूं, मेरे दिल में बैठा रहे हूं, वो शायद ठाकुर जी भी मुस्कुराने लगेगा कि हाँ आज याने मुको पत्थर के सिंहासन पे चांदी के सिंहासन पे नहीं बैठा हो, अपने दिल के सिंहासन पे बैठा हो। और दिल के सिंहासन पे ठाकुर जी बैठे हो ना तभी तुम ठाकुर जी की सेवा दिल से कर सकोगे। नहीं तो बेदात पसंदी हद से बड़ी, तकदीर पे शाकिर रह न सके, जुल्म तुम्हें करना ही न आया, लुत्फ करम हम सह न सके। वो शजी कह रहे हो कि कहते भी तो रो रो कर कहते और दाद न मिलती कहने की, प्रभु मारे ठाकुर जी न थी था वो। अच्छा तो हुआ अफसान है गम, तुम सुन न सके हम कह न सके। श्री महाप्रभु जी श्री गोपीनाथ जी अपने ऐसी कृपा करें कि जो भाव इनने सेवा के वर्णित किए हैं वो भाव इनकी पंचशती में, मैं नहीं मानू कि सारे पुष्टि मार्गी मानेंगे, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानू कि ब्रह्म संबंध लिए भय आज की तारीख में सारे सो कॉल्ड पुष्टि मार्गी सचमुच में पुष्टि मार्गी हैं। पर जो पुष्टि मार्गी हैं उनके दिल में ये भाव दृढ़ हो, ऐसी अपन शुभकामना करके गोपीनाथ जी को पंचशती उत्सव सेलिब्रेट करें या एक शुभ मनोरथ से सेलिब्रेट करें। एक ऐसा मनोरथ अपने हृदय में होना चाहिए कि अपन या तरह से अपने प्रभु को लाल लड़ावें। ये भटकने वालों तब हम हूं औरन के नाही, घर घर भटकत फिरते हो ऐसे नहीं। सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे, वो महाप्रभु जी सकल मर्याद को मंडन करने के लिए अवतरे। तुम्हारे घर की भी कोई मर्यादा है, वह मर्यादा में जो चीज नहीं छू रही है वह नहीं छू रही है। हवेली में छूती होगी तो छूती जाती होगी, ब्राह्मण के यहाँ छू जाती होगी तो छूती छू जाती होगी। तुम्हारे यहाँ की मर्यादा में जो नहीं छू रही है वार्ता में स्पष्ट आवे कि भोग धरो, भोग भी ठाकुर जी को भोग धरो। और गुसाई जी ने बुला के पूछी कि भोग धरो भोग क्यों भरो, उन्होंने कहा भाई ये मर्यादा आपके घर के बच्चे पाले, हमारे बच्चे तो ऐसे ही लिबरल है कि खाते खाते खेलवे चले जाएं, खेलते खेलते पाचे खावे आ जाएं, दस बखत एक ही पातल पे खावे और पाचे खेलवे जाएं। ऐसे ब्राह्मणन में एक पुरानी मर्यादा थी कि पत्तल पे से उठ गए तो फिर दोबारा बैठ नहीं सको वहां पत्तल पे खाने के लिए। तो बेचारे हमारे सेमिनार में आते वो कह रहे थे कि वाइफ नहीं होती है तो ज्यादा खाना हो जाता है। मैंने कहा वाइफ नहीं होती है तो ज्यादा खाने के, वाइफ हो तो ज्यादा खाना। बोले बहुत उन्हें जेन्युइन प्रॉब्लम बताई कि वाइफ नहीं होती है तब नक्की नहीं होता है खाना कितना, और उठ जाए तो छू जाए पत्तल तो ज्यादा लेके बैठना पड़ता है इसलिए ज्यादा खाना हो जाता है, और वाइफ होती है तो उतना ही खाना परोसती है। तो उनको हमने सेमिनार में बुलाया तो झोंका रहे थे, मैंने की सुस्ती क्यों आ रही है, बोले वाइफ नहीं है ना तो ज्यादा खाना पड़ता है। मैंने की ये कोई वाइफ खराब बनावे रसोई, उन्होंने कही नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो नक्की नहीं होता है कि कितना खाना है तो ज्यादा खाने में आ जाता है, उठ सकते नहीं है फिर तो ज्यादा खा लेते हैं इसलिए सुस्ती आती है सेमिनार में। तो उनकी ये एक और गंभीर रहस्य है कि वाइफ नहीं हो तब आदमी ज्यादा या लिए नहीं खा रहा है कि स्वादिष्ट ज्यादा वाइफ से अच्छा बनाया है, पर या लिए कि मर्यादा खरा खतरनाक है ना कि उठ गए तो फिर खा नहीं सके, तो पहले से ही ज्यादा लेके बैठ जाए फिर उतना खाया नहीं जाए।
तो ऐसे घर की एक कुछ अलग मर्यादा है, वाइफ के साथ रहते हुए तो एक अलग मर्यादा है, बिना वाइफ के साथ रहते हुए तो एक अलग मर्यादा है, सब तरह की मर्यादा, सकल मर्यादा मंडन प्रभु अवतरे, अपने महाप्रभु जी हैं। उन मर्यादान को कोई मर्यादा को महाप्रभु जी ने खंडन नहीं किया है। तो ऐसे महाप्रभु जी और श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी के आश्रय पद गान करके एक आशीर्वाद आशीष को पद गावे। युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो, यह सुख भजन प्रताप तेज ते, छिन इत उतना टरो श्री गोकुल, युग युग राज करो। पावन रूप दिखाए महाप्रभु, क्यों न जगत उद्धरो, विश्व विदित गति दीनी प्रेतन, विश्व विदित गति दीनी प्रेतन, क्यों न जगत उद्धरो श्री गोकुल, युग युग राज करो। श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि, यश मकरंद भरो, नंददास प्रभु षट गुण संपन्न, नंददास प्रभु षट गुण संपन्न, श्री विठलेश वरो श्री गोकुल, युग युग राज करो। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं आक, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में जासो होए निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री गोपीनाथ जी के पंचशती की फिर सु दोबारा सबको खूब खूब बधाई, और राजू भाई भागवत जी आपको भी खूब खूब बधाई इस उत्सव में आप सम्मिलित हुए उसके लिए, और सारी टीम को जिनने ये प्रोजेक्ट पूरो पाड़ियो उन सबको भी खूब खूब बधाई, और मुखो भी बधाई जी।